गुड मॉर्निंग बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो हमारा है यूनिट डायमेंशन एरर के टॉपिक है, ठीक है। तो आज ये आपके क्लास 11th के लिए फर्स्ट लाइव क्लास है। तो फर्स्ट लाइव क्लास में हम सिंपल टॉपिक सीखने वाले हैं। पिछली जो क्लासें हमने स्टडी की है उस क्लासों में हमने बेसिक मैथमेटिक्स स्टडी की थी, लाइक डिफ्रेंशिएशन एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की हमने बात की थी। इंटीग्रेशन में हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए, तो इंटीग्रेशन में बात करेंगे लेकिन हम उसको बाद में थोड़ी बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम जो बात करने वाले हैं वो है एक चैप्टर हमारा यूनिट डायमेंशन एंड एरर, ठीक है। तो यूनिट डायमेंशन एरर में हम जो फर्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। तो हमारा चैप्टर का जो नेम है वो है यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। एंड लास्ट में एरर भी है एंड एरर, तो इसकी हम बात करेंगे। यूनिट डायमेंशन एंड एरर की हम बात करने वाले हैं। तो उसमें जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है वो है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करें तो क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी, उसकी हम बात कर लेते हैं। जनरली जो मैंने एक डेफिनेशन लिखी है फिजिकल क्वांटिटी की, पहले उसको रीड करते हैं, देन उसका क्या मीन्स निकलता है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो हियर इज द डेफिनेशन इज द क्वांटिटी कैन बी मेजर एंड एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ लॉ इज नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी। नो डाउट ये जो वर्ड है वो बुक के वर्ड दिख रहे हैं आपको, पर इसमें जो वर्ड है का मीन्स, पर्टिकुलर मीन्स क्या निकलता है उस मीन्स की बात मैं करता हूँ। देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वर्ड, जो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है कैन बी मेजर, ठीक है। एक तो है मेजर, तो फिजिकल क्वांटिटी द क्वांटिटी कैन बी मेजर एंड द एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ लॉ। तो हमें दो वर्ड पर बात करनी है कि ये मेजर किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, और सेकेंड जो पॉइंट है वो एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ लॉ का क्या मीन्स है, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल के लिए आप देखो कि जो भी चीज़ आप मेजर कर सकते हो, ऑल थिंग विच लाइज इन द सराउंडिंग इन द यूनिवर्स, जो भी हम मेजर कर सकते हैं वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है। लाइक वाटर है, ठीक है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, ठीक है, एक्सलेशन है, फोर्स है, ठीक है, मास है, ये सारे एलिमेंट हम मेजर कर सकते हैं, किसी ना किसी यूनिट में मेजर कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी है। अगेन व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, जो क्या हो सकते हैं, मेजर हो सकते हैं, ठीक है, आप मेजर कर सकते हो। एयर को भी हम मेजर कर सकते हैं, एयर प्रेशर के फॉर्म में हम मेजर कर लेते हैं, ठीक है, एयर कितना फोर्स अप्लाई करता है वो भी हम मेजर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मास को मेजर कर लेते हैं केजी में, डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं मीटर में, ठीक है, स्पीड को मेजर कर लेते हैं मीटर पर स्क्वायर में। तो हम जो चीज़ मेजर कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब एक और वे है इसको अंडरस्टैंड करने का, और वो है एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ लॉ, कि जिनको हम फॉर्म ऑफ लॉ में, किसी लॉ के फॉर्म में हम लिख सके वो हम, उसको भी हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने 8-9 में देखा होगा कि हम लिखते हैं एफ इक्वल टू एम ए, हम ये वर्ड यूज करते हैं एफ इक्वल टू एम ए। तो एफ क्या है, एफ है फोर्स, राइट, एम क्या है मास, एंड ए क्या है हमारा एक्सेलरेशन, राइट बच्चों। तो मुझे एक बताओ क्या ये एक लॉ है, यस ये एक लॉ है, न्यूटन का लॉ है, आपको याद ही होगा अगर आपने 9th में टॉपिक देखा है, तो ये न्यूटन का लॉ है, राइट है। तो इस लॉ में देखो हमने क्या बोला, द क्वांटिटी, अब मेजर की बात हटाएं, द क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ लॉ, तो जिस क्वांटिटी को आप लॉ के फॉर्म में लिख देते हो, लिख सकते हो, वो भी हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो फॉर्म में हमने इस लॉ में किसको लिखा, एफ को लिखा, तो एफ क्या है फोर्स, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, एम क्या है मास, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ए क्या है एक्सलेशन, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि तीनों एक लॉ के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ऐसे ही आपने अगर देखा हो पी इक्वल टू एफ अपॉन में ए, तो हमने एक लॉ बनाया प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो ए क्या है एरिया, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी, एफ फोर्स वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी, एंड पी प्रेशर वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी। तो ये है कि अगर आप किसी को भी आप क्या लिखते हो, आप एक और फॉर्मूला है आपका जो आपने देखा हुआ है इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये भी कई बार आप बुक में भी देखते हो या बुक के कवर में भी लिखे हुआ देखते हो, ये है एनर्जी,
एम है मास और सी है स्पीड ऑफ लाइट, तो इसको भी हमने फॉर्म में लिख दिया है, तो ये भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। एक और फॉर्मूला है, एग्जांपल देखो आप, एफ इक्वल टू जी कैपिटल एम वन एम टू अपॉन में आर स्क्वायर, तो आपने ये भी देखा है, आर क्या है डिस्टेंस, तो क्या डिस्टेंस किसी लॉ के फॉर्म में आ सकता है, यस आता है, तो आर भी क्या है फिजिकल क्वांटिटी, मास भी आ रहा है फिजिकल क्वांटिटी, मास ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, एफ फिजिकल क्वांटिटी, तो सिंपली वे बोले तो क्या है फिजिकल क्वांटिटी, तो एक सिंपल चीज अगर ज़्यादा फोकस नहीं करना तो कोई भी एलिमेंट जो आप मेजर कर सको वो सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, राइट। एंड सेकंड क्या बोला कि किसी को भी आप अगर लॉ के फॉर्म में लिखा हुआ मिल गया आपको या आप देखते हो तो वो फिजिकल क्वांटिटी है, कोई सा भी लॉ हो कोई सा भी फॉर्मूला हो उसमें जो जो एलिमेंट है वो ऑल आर द फिजिकल क्वांटिटी, समझ में आया। तो ये था हमारा फिजिकल क्वांटिटी, हम किस में स्टडी कर रहे हैं, यूनिट डायमेंशन एंड एरर में स्टडी कर रहे हैं। तो यूनिट डायमेंशन एरर में चैप्टर का नेम है हमारा, उसमें जो फर्स्ट टर्म है वह है फिजिकल क्वांटिटी और उसकी मैंने ये डेफिनेशन दे दी। तो एग्जांपल के लिए लिखा था मैंने मास, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी की स्पेशलिटी होती है, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ रूल है, ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं जो आपको जानने चाहिए। फर्स्ट, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, मीन्स अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हो तो उसकी यूनिट भी होगा और उसका मैग्नीट्यूड भी होगा। तो अब यूनिट क्या होता है और मैग्नीट्यूड क्या होता है उसकी हम बात करेंगे। तो फिलहाल इट्स के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है एंड क्या होता है, यूनिट होता है, ठीक है। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं हम, देखो बच्चों कि पहले हम बात कर लेते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है और यूनिट क्या होता है। तो यूनिट के लिए मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, वो आप देख लो। आपको जो भी मैं टॉपिक स्टडी करवा रहा हूँ और उसे कई सारे टॉपिक के मैं थोटिकल लिखता नहीं हूँ बोर्ड पर, तो उसका रीज़न यह है कि आपका वीडियो लेक्चर 35 मिनट इतने मिनट का होने वाला है, तो थोटिकल लिखने में बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो उसके हम PDF आपको भेज देंगे, आप PDF आप नोट कर लेना, जो भी डेफिनेशन जो भी थोटिकल सेक्शन है, एक्सप्लेनेशन का जो पार्ट है मैं वो आपको इस बोर्ड पर समझा दूंगा, ओके। तो यूनिट में जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, अ फिक्स अमाउंट और नंबर यूज एज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। कि आपने क्या किया, यूनिट आपसे पूछा यूनिट क्या है, तो यूनिट ऐसे नंबर है या फिक्स अमाउंट है जो आपने फिक्स करके रख दिया है, ठीक है, कि अगर कोई पर्सन मुझे परचेज करेगा उस यूनिट फॉर्म में तो मैं उससे कंपेयर करके उसको दूंगा। जैसे अब हम एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि 1 kg का जो है पहले जो आता था आयरन का जो आता था एक ऑब्जेक्ट आता था, कि आपने देखा होगा कि जब भी हम राइस परचेज करते हैं या कुछ भी परचेज करते हैं तो अभी भी गांव के साइड में आप जाओगे तो वो उसी से देते हैं। तो 1 kg या 2 kg का आयरन का जो पीस होता है उसको रखते हैं एक साइड और दूसरी साइड हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो ये जो 1 kg का आप जो जनरली नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं तो बट्टा हम बोल देते हैं उसको, या फिर हम ये बोल देते हैं, आपने देखा होगा कि 1 kg का ऑब्जेक्ट आयरन का टुकड़ा लेते हैं, 2 kg का लेते हैं, 3 kg का बना के रखते हैं गांव के साइड में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि 1 kg आपने बोला तो वो फिक्स उसी को रखते हैं और उसी से मेजरमेंट करके आपको सामान देते हैं। 2 kg का बोला तो उन्होंने 2 kg का एक पहले से एलिमेंट बना के रखा हुआ है आयरन का, वो उससे मेजरमेंट करके फिर सामान देते हैं, राइट ना। तो ये 1 kg जो है, ठीक है ना, ये 1 kg जो है, kg है यूनिट, kg क्या है यूनिट, किसके लिए, मास के मेजरमेंट के लिए। जैसे डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए आप क्या यूज करते हो, मीटर, ऐसे ही मास को मेजरमेंट करने के लिए kg है। अब 1 kg की वैल्यू फिक्स करके हमने रख दी है कि 1 kg इतना ही आएगा। तो जब भी आप 1 kg आप कोई चीज़ परचेज करते हो, जैसे एग्जांपल के लिए आप राइस लेने जाते हो 1 kg, तो वो ऑलवेज किसी शॉप पे से जाओ तो 1 kg फिक्स अमाउंट देगा, उतना ही वेट देगा, 1 kg देगा वो, ठीक है। राइस का अमाउंट जो आएगा वो सेम ही आएगा, 1 kg ही आएगा, क्योंकि उसने क्या किया, सभी ने 1 kg को फिक्स करके पहले ही रखा हुआ है कि अगर कोई 1 kg मांगता है तो 1 kg यही एलिमेंट यूज करना है, इससे ही मेजर करके देना है मुझे, 2 kg है तो फिक्स इसको ही मेजर करके मुझे इससे देना है, राइट, कन्फर्म समझ में आया। तो यूनिट जो है kg,
किसका? मास का। तो 1 kg की वैल्यू हमने फिक्स करके रख दी कि अगर 1 kg कोई मांगेगा तो इसको मैं रखूंगा और इसे मेजरमेंट करके दूंगा। तो क्या मैंने 1 kg को फिक्स करके रख दिया है? उसकी वैल्यू फिक्स करके रख दी है, यस, उसकी वैल्यू मैंने फिक्स करके रख दी है। अब एग्जांपल के लिए मेरे को वायर परचेज करके लाना है, मैंने बोला 10, कितना मार्केट से लेना है? तो 10 मीटर वायर लेके आना है। कितना वायर लेके आना है? 10 मीटर। शॉपकीपर के पास गया और मैंने बोला कि मुझे वायर दो, तो पूछेगा कितना दो? तो आंसर है 10 मीटर दो। तो 10 मीटर देने के लिए आप किसी शॉप पे चले जाओ तो वो 10 मीटर फिक्स लेंथ आएगी, तो जो वायर देगा वो 10 मीटर फिक्स ही आएगा ना। इसका मींस क्या है कि 1 मीटर की वैल्यू फिक्स पहले ही करके रख दी गई है कि 1 मीटर अगर कोई कंसीडर करता है तो 1 मीटर इतना वायर देना है। तो सभी जो 10 मीटर लेंथ देंगे अगर वो सही दे रहे हैं तो 10 मीटर की वायर सेम आएगी। तो कहने का क्या मींस निकला कि 1 मीटर की लेंथ पहले फिक्स कर दी गई है कि 1 मीटर कितनी लेंथ होगी, तो वैल्यू फिक्स है। तो मीटर की वैल्यू फिक्स कर दी है कि 1 मीटर इतना होगा। ऐसे आप 1 लीटर किसी भी, जैसे कोई भी आपका जो दूध देने वाला आता है, ठीक है, तो उससे अगर आप दूध लेते हो तो आप बोलते हो 1 लीटर चाहिए। तो सभी, अगर ऐसा नहीं कोई खुश होकर थोड़ा ज़्यादा देते हो, वो वाली बात मैं नहीं कर रहा, पर किसी से लोगे 1 लीटर का उसका फिक्स कंटेनर आता है, उससे मेजर करेगा और 1 kg आपको दे देगा। तो अगर सही देता है तो सभी 1 लीटर मिल्क उतना ही देंगे। मीन्स क्या है, 1 लीटर भी फिक्स अमाउंट करके रख दिया गया है कि अगर कोई 1 लीटर कंज्यूम मांगता है तो हमें उससे ही मेजर करके रखना है। समझ में आया? तो यूनिट यही कह रहा है कि यूनिट क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट या नंबर होता है, ठीक है ना, जो हमें फिक्स करके रख दिया गया है कि जब उसमें कोई पर्सन मांगेगा तो हम उसी से कंपेयर करके देंगे। तो 1 मीटर की लेंथ पहले फिक्स करके रख दी गई है कि अगर कोई मुझे मीटर में परचेज करता है तो मुझे इससे कंपेयर करना है। तो 10 मीटर लिया तो इसका 10 टाइम दे दूंगा, 20 मीटर दे बोला तो इसका 20 टाइम दे दूंगा, ठीक है। 1 लीटर मिल्क बोल रहा है तो मैं इस कंटेनर से 1 लीटर मेजर किया, दे दिया। अब 10 लीटर बोला तो इसी का 10 टाइम दे दूंगा। तो सारी वैल्यू फिक्स करके पहले ही रख दी गई है, ठीक है, और वो जो फिक्स वैल्यू रखी गई है उसको ही हम बोलते हैं यूनिट। तो यूनिट इज अ फिक्स अमाउंट और नंबर यूज एज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। अब सभी की चीज़ें जो है ना, इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल लेवल समझाऊंगा आपको, बट पहले वहाँ पर मुझे कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, मोल क्या होता है, नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 mole में। तो वो जब चीज़ हम बात करेंगे तो मैं समझाऊंगा आपको 1 kg एक्चुअली जो फिक्स अमाउंट किया गया है वो कितना था और वो कितना होता है, ठीक है। तो 1 kg जब हम फिक्स करके रखते हैं ना, 1 kg वो एक्चुअली नंबर ऑफ एटम को फिक्स किया गया है कि 1 kg में कितने एटम आएंगे। तो अभी इस डिटेल लेवल पे नहीं जाएंगे हम, अभी सिंपल लेवल चीज़ मैं समझा रहा हूँ आपको ताकि कन्फ्यूज ना हो। व्हाट इज, तो ओवरऑल क्या मीन्स आया, व्हाट इज द यूनिट? तो यूनिट ऑफ फिक्स अमाउंट और नंबर यूज एज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट के लिए जो हमने स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ है कि अगर कोई चीज़ मुझे खरीदता है तो मुझे उससे ही कंपेयर करके देना है। समझ में आया, ठीक है। अब देखो, तो इसने क्या बोला कि अब मास खरीदने जा रहे हो, केजी में लोगे, तो मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। तो जब शॉपकीपर से मास लोगे तो आपको यूनिट बोलना पड़ेगा, किस यूनिट में लेते हो, और मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा। तो अब यूनिट तो बता दिया मैंने, अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? मान लो आपने मार्केट गए और बोला मुझे मास चाहिए, मतलब राइस चाहिए कुछ, तो मेरे को 3 kg चाहिए। कितना चाहिए? 3 kg। तो ये एक यूनिट है और ये क्या है मेरे पास? मैग्नीट्यूड है। नंबर जो होते हैं वो मैग्नीट्यूड होते हैं, ठीक है। तो आपने बोला कि चलो मुझे ना कुछ भी चाहिए, पोटैटो चाहिए, टमाटो चाहिए, केजी में चाहिए, या राइस चाहिए वो केजी में चाहिए, ठीक है। तो आपने बोला 3 kg चाहिए, तो आपने केजी बोला, एक यूनिट है ये, और आपने बोला मैग्नीट्यूड बताया कि केजी में चाहिए और कितना? 3। तो ये 3 है मैग्नीट्यूड और केजी है यूनिट। बट मुझे ये बोलो कि अगर वो यही बोलता 3000 ग्राम दे दो, कितना? 3000 ग्राम। आपको पता है 1 kg में 1000 ग्राम होता है, आई होप आपको पता हो 1 kg में कितना होता है बच्चों? 1000 ग्राम होता है। तो अगर कोई पर्सन बोलता है कि मुझे राइस चाहिए 3 kg, और एक पर्सन बोलता है कि मुझे राइस चाहिए, किसी बात कर रहे हैं आप बोलोगे सर राइस आपको बहुत पसंद है क्या? हाँ पसंद है। तो राइस चाहिए, कितना चाहिए? 3 kg,
और दूसरा पर्सन बोलता है 3000 ग्राम दो, तो क्या जैसे इस बंदे ने ए ने बोला कि मुझे राइस चाहिए 3 kg और बी ने बोला मुझे चाहिए 3000 ग्राम, तो मुझे ये बताओ क्या दोनों को समान चीज़ मिलने वाली है, थोड़ा कम है ज़्यादा मिलने वाला है? आंसर है इक्वली मिलने वाला है, पर डिफरेंस क्या हुआ? तो डिफरेंस उसके मैग्नीट्यूड का हुआ और उसके नंबर का हो, उसके यूनिट का हुआ। यहाँ पर इसने क्या बोला कि यूनिट तो ले ली केजी और मैग्नीट्यूड ले लिया 3, यहाँ पर यूनिट क्या ले ली? ग्राम। तो यहाँ पर ये है यूनिट और ये है बच्चों मैग्नीट्यूड। बट मुझे बताओ, अच्छा मैं इसको यूनिट है U1 कंसीडर कर रहा हूँ और इसको मैं बोल रहा हूँ N1। मैग्नीट्यूड को हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, तो इसलिए N1 लिख दिया। तो मैग्नीट्यूड कितना है? N1 और इसका U1। यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो इसका जो है ये क्या है मेरे पास बच्चों, ये है U2 और ये है क्या मेरे पास? N2। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू, कितना नंबर है, तो N2 कितना है? 3000 ग्राम और U2 कितना है? ग्राम। तो मुझे एक बात बताओ आप, क्या दोनों चीज़ सेम ही है या नहीं? अगर किसी ने ए ने बोला कि मुझे 3 kg चाहिए और बी ने बोला 3000 ग्राम चाहिए, तो क्या उन दोनों को बराबर ही मिलेगा? यस, दोनों को बराबर ही मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक फॉर्मूला आया। बच्चों मैं अब ऊपर का जो है ना वो रब कर देता हूँ थोड़ा सा, तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, तो क्या 3 kg इक्वल है 3000 ग्राम के? यस, वैल्यू तो दोनों सेम है। अगर मैं राइस की बात कर रहा था तो किसी ने बोला 3 kg दे दो, किसी ने बोला 3000 ग्राम दे दो, दोनों चीज़ तो बराबर ही है। तो ये है U1 और ये है N1, ये है U2 और ये है N2, क्या दोनों बराबर है? यस, दोनों बराबर है। तो क्या समझ में आया? यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू जो का प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है, ठीक है। अगर यूनिट आप देखो केजी बिगड़ है या ग्राम बड़ा है, तो केजी जो यूनिट है ना वो बड़ा है किसी कंपेयर में ग्राम, बट यहाँ पे नंबर 3000 है और यहाँ नंबर 3 है, ठीक है, तो नंबर इसका बड़ा है, नंबर क्या है बच्चों, नंबर जो है वो इसका बड़ा है इसी कंपेयर में, बट यूनिट किसे बड़ा है? इसका यूनिट इसके कंपेयर बड़ा है, तो केजी तो बड़ा है ग्राम से, बट 3000 नंबर बड़ा है किससे? 3 से। तो ओवरऑल क्या चीज़ आता है मैं और बता दूँ, तो कोई भी चीज़ खरीदने जाओगे तो आपको दो चीज़ तो बोलनी पड़ेगी। जैसे आपने बोल दिया कि मेरे को राइस चाहिए केजी में दे दो, बट कितने केजी भाई? 5 kg 10 kg बताना तो पड़ेगा ना, तो नंबर भी बताना पड़ेगा भाई, हाँ मुझे 2 kg दे दो। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 2 हो गया और यूनिट क्या हो गई? केजी, राइट। आपने बोला 5000 दे दो, तो भाई आप 5000 किस में चाहिए? केजी में भी हो सकता है और ग्राम में भी हो सकता है, तो आपने बोला 5000 ग्राम दे दो, तो यूनिट हो गई ग्राम और नंबर हो गया 5000, और नंबर को हम बोलते हैं क्या? मैग्नीट्यूड। तो जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करते हैं, कोई सी फिजिकल क्वांटिटी जिसे मेजर कर सकते हैं, तो उसको दो चीज़ होती ही होती है, एक यूनिट और एक मैग्नीट्यूड। तो जब भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो इट हैज यूनिट एंड मैग्नीट्यूड। जैसे राइस की बात की थी, किसी ने बोला 3 kg चाहिए, तो उसे यूनिट तो बोलना पड़ा केजी और मैग्नीट्यूड बोलनी पड़ी 3। किसी बोला 3000 ग्राम चाहिए, तो इसने यूनिट बोली ग्राम और न्यूमेरिकल वैल्यू बोली 3000, मतलब मैग्नीट्यूड दिए गया। आया या नहीं आया? क्लियर है ना? चलो अब एक चीज़, तो ये चीज़ होगी इट हैज मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। तो मैग्नीट्यूड कौन है? नंबर। और यूनिट कौन सा है? केजी बोल रहा है या ग्राम बोल रहा है? आया समझ में? चलो ये भी लाइन नंबर अप कर देते हैं। चलो जो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसने बोला, नेक्स्ट पॉइंट बोला कि लोअर यूनिट हैविंग हायर न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड। तो इसे बोला लोअर यूनिट यूज करते हो
तो उसके पास हायर न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। जैसे राइस मैंने बोला 3000 ग्राम दे दो, ठीक है, और मैंने बोला 3 kg दे दो, तो अगर यूनिट लोअर लेते हो, यूनिट क्या लेते हो, लोअर मतलब ग्राम लेते हो, केजी बड़ा है यूनिट है और ग्राम छोटा है, आप बोलोगे भाई 2 ग्राम दो और 2 kg दो, ज़्यादा किस में आएगा, 2 kg में आएगा ना, 2 ग्राम तो कम आएगा, तो केजी बड़ी यूनिट है और ग्राम लोअर है, राइट। तो अगर आप यूनिट लोअर लेते हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा आती है, क्या बोला आपने, ग्राम, लोअर यूनिट बोली तो नंबर कितना आया 3000, बट अगर आप बिगर यूनिट लेते हो, बोला केजी, तो नंबर आता है लोअर। तो यही इसने लिखा कि अगर यूनिट लोअर लोगे तो उसके साथ हायर न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा सेम क्वांटिटी के लिए, ठीक है ना, और अगर आप हायर यूनिट लेते हो तो लोअर न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। तो मुझे सामान तो चाहिए थे, सामान इक्वली चाहिए था, एक शॉपकीपर से मैंने लिया 3 kg राइस और एक शॉपकीपर से लिया 3000 ग्राम, तो अमाउंट तो दोनों में सेम ही मिला, तो अमाउंट सेम मिला है 3 kg में और 3000 ग्राम में, बट आप चीज़ देखो, आपने केजी बोला, बिगर यूनिट बोली तो न्यूमेरिकल वैल्यू लोअर बोली, 3 बोला, तो यूनिट अगर बड़ी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड छोटी हो जाएगी, मतलब लोअर हो जाएगी, बट अगर आपने क्या बोला, यूनिट लोअर बोली तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी सेम क्वांटिटी के लिए। तो मैंने मैंने एक शॉपकीपर से 3 kg राइस लिया और दूसरे से 3000 ग्राम लिया, यूनिट वैल्यू दोनों की सेम ही है, मतलब वैल्यू का मतलब अमाउंट मुझे दोनों का सेम मिलेगा 3 kg में और 3000 ग्राम में, बट इस साइड 3 kg है, यूनिट बड़ी है और नंबर छोटा है, और इस साइड 3000 ग्राम है तो यूनिट छोटी है और नंबर बड़ा है, यही ये बोलता है। तो लोअर यूनिट हैविंग द हायर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड हायर यूनिट हैविंग द लोअर न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या आपको समझ में आया, चलो आगे देखते हैं। अच्छा बच्चों एक चीज और देखो, अब हम बात क्या कर रहे हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं, तो ये चीज समझ में आ गई, N1 U1 N2 U2 सेम क्वांटिटी के लिए। तो यहां हम लिखते हैं कि भाई NU कांस्टेंट होता है, NU क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है, मतलब N और U की वैल्यू फिक्स होती है। जैसे क्या मतलब है, मान लो 32 है, तो अगर आपने एक वैल्यू ले ली 8 और दूसरी ले ली 4, तो ये भी 32 है, अगर आपने एक वैल्यू ले ली 4 और एक ले ली 8 तो भी 32 आएगा, अगर आपने एक वैल्यू ले ली 16 और दूसरी ले ली तो भी 32 आएगा, और एक ले ली 2 और 16 तो भी 32 आएगा। क्या समझ में आ रहा है आपको, मीन्स क्या है कि n और u की वैल्यू फिक्स आएगी, बट आप कर क्या सकते हो, n u को चेंज कर सकते हो। जैसे ये वाली देखो 3 kg है, तो N1 और U1 वैल्यू तो सेम ही है ना, राइस कितना आ रहा है, और अगर मैं यूज करता हूँ क्या 3000 ग्राम, तो ये N2 है और U2 है, तो इन दोनों का जो मेरे को सामान मिलेगा, जो अमाउंट मिलेगा 3 kg में भी उतना ही मिलेगा और 3000 ग्राम में भी तो उतना ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे था 32 ही मिल रहा है सब में, इसको ये 8 था तो 4, इसको कम किया तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। क्या समझ में आया, तो यही मैं कह रहा हूँ कि N और U कांस्टेंट होता है, मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट फिक्स होता है। अब इसका एक्चुअली क्या मीन्स मिला, तो अगर नहीं आता तो शॉर्टकट देख लो कि N इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू, मीन्स N प्रोपोर्शनल टू 1/U। अब इसका क्या मीन्स है, इसका बच्चों मीन्स ये है कि यूनिट बिगर होगी तो नंबर लोअर होगा, यूनिट बिगर होगी तो नंबर लोअर होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के उल्टे हैं, केजी बड़ा तो नंबर छोटा, यूनिट छोटा तो नंबर बड़ा, बिगर हो गया। तो यूनिट अगर आप बिगर लेते हो
तो न्यूमेरिकल वैल्यू लोअर आएगी, और यूनिट आप लोअर लेते हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू बिगर आएगा। यही था फिजिकल क्वांटिटी का रीजन। तो जब भी आपको यूनिट अगर बिगर लेते हो, केजी में लेते हो, तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू 3 आया सेम सामान खरीदने में। बट अगर यूनिट आपने ग्राम ले लिया तो नंबर बढ़ गए 3000, पर दोनों 3 kg और 3000 ग्राम तो बराबर ही है ना, है तो इक्वली। यही कॉन्सेप्ट था, क्लियर है। चलो आगे आते हैं, तो भी कोई डाउट हो आप क्लास में आके मुझसे पूछ लेना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी की मैंने बात कर ली है, अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बात करते हैं, तो ये 3 टाइप के होते हैं, रेशो, स्केलर और वेक्टर। एक और है टेंसर, टेंसर, बट वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, वो अभी फिलहाल नहीं आ पाएगा आपको समझ में। तो रेशो, स्केलर और वेक्टर। अब रेशो क्या होता है? रेशो होता है सेम एलिमेंट का डिवाइड कर दो। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ 5 kg अपॉन में 3 kg, तो सेम यूनिट है ना, तो सिर्फ नंबर आएगा। क्या आएगा? नंबर। तो रेशो क्या है? ऐसी चीज है जो सेम चीज से सेम चीज का डिवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 5 kg में 3 kg को डिवाइड करने के लिए बोला, तो ये 5/3 आ गया। मतलब जनरली यहाँ पर क्या नहीं हो रहा होता, यूनिट हमें नहीं दिख रहा होता, क्योंकि यूनिट कैंसिल हो जाता है। 5 meter अपॉन में 3 meter कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है। ऐसे एक वर्ड है स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है बच्चों, ये एक वर्ड आएगा, हम आगे पढ़ेंगे इसको। डेल्टा एल अपॉन एल होता है स्ट्रेन, ये होता है चेंज। डेल्टा एल का मतलब है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन डेल्टा एल का मतलब क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बच्चों क्या है? एक वर्ड है स्ट्रेन, आगे बात करेंगे स्ट्रेन क्या होता है। बट जनरल फॉर्मूला में लिख दें कि स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या मतलब है देखते हैं इसको। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ का मतलब क्या है बच्चों? देखो जैसे आप कंसीडर कर लो, ये एक लेंथ है 5 meter की, आपने इसको खींचा, पुल किया, ये लेंथ हो गई इतनी बड़ी, ये हो गई 7 meter। तो स्ट्रेन को अगर मैं लिखता हूं, स्ट्रेन चेंज इन डेल्टा एल अपॉन में एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज कितना आया? पहले था कितना? 5 meter, अब कितना हो गया? 7 meter। तो अब लिखोगे 7 meter माइनस 5 meter, ये तो चेंज आया, अपॉन में एल, ओरिजिनल कितना है? तो 5 meter। तो यहां पर आएगा 2 meter अपॉन में 5 meter, इसको माइनस कर गया तो कैंसिल आ गया, और ये 2/5। तो इसमें सिर्फ नंबर है, क्या बेटा? सिर्फ नंबर है। तो यहाँ पे एक बात आ गई कि कुछ क्वांटिटी ऐसी भी होती है, स्ट्रेन को हम मेजर कर सकते हैं। ये हमारा एक चैप्टर है इलास्टिसिटी, वहाँ पे आएगा ये। तो एक बोला कि स्ट्रेन बताओ कैसी क्वांटिटी है, तो स्ट्रेन फॉर फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इसमें क्या है? मीटर अपॉन मीटर कट गया, तो सिर्फ नंबर ही तो बचा, सिर्फ नंबर ही तो बचा। तो इसमें कोई यूनिट नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब नंबर है, कोई यूनिट नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है स्केलर। अब स्केलर क्या होता है? तो बच्चों स्केलर क्या चीज है? नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा, ऐसे एलिमेंट होते हैं, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिनकी डायरेक्शन चेंज करने पर, जिनकी डायरेक्शन चेंज करने पर वैल्यू चेंज नहीं होते हैं, जिनकी डायरेक्शन चेंज करने पर वैल्यू चेंज नहीं होते हैं। क्या? स्केलर। स्केलर क्या है? ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन चेंज कर दो तो चेंज नहीं होते, उसकी वैल्यू फिक्स ही रहती है। कैसे? एग्जांपल के लिए कैसे, तो देखते हैं। करेक्ट, देखो स्केलर की हम बात कर लेते हैं। बच्चों स्केलर की बात करें, आप ऐसे देखो, अगर ये ओ है और ये पॉइंट मेरा ए है, ठीक है ना, ऐसे मैंने ये ओरिजिन ले लिया, ठीक है ना,
यहां से मैं यहां तक 2 मीटर गया, देन फिर ऊपर गया मैं 2 मीटर, और फिर यहां से गया मैं 2 मीटर। आए बच्चों? ठीक है, अब फिर मैं वापस आ गया यहां पर, तो यहां से स्टार्ट किया, यहां से गया, यहां गया, ये भी 2 मीटर। ठीक है बच्चों, मुझे ये बताओ, अगर मैं 2 वर्ड पूछता हूं, डिस्टेंस, ऐसे अगर पूछता हूं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस होता है, नाइन्थ में पढ़ा होगा आपने, टोटल पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? टोटल पाथ लेंथ। तो कितना गए आप? आप गए, पहले गए ओ से ए गए, प्लस ए से बी गए, प्लस बी से सी गए, प्लस सी से ओ आए, तो 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, 8 मीटर हो गया बच्चों। हो गया, चलो डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं, शॉर्टकट है डिस्प्लेसमेंट का, और ये डिस्टेंस है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं पूछूं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पॉइंट, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है ना, कहां थे? ओ पे थे। कहां आ गए? ओ पे ही आ गए। तो भाई स्टार्ट भी यहीं से किया था, एंड भी यहीं पे किया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो आंसर है 0। कहां? स्टार्ट यहीं से किया था, घूम फिर के यहीं पर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 हो गया। सही है। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो, ओ से ए 2 मीटर, अभी तक सेम जा रहे हैं 2 मीटर, अब मैं नहीं, इधर से इधर गया हूं मैं, अब मैं इधर जा रहा हूं 2 मीटर, और फिर नीचे आ गया, सिर्फ यहां डायरेक्शन चेंज की है मैंने, इसमें इधर जा रहा हूं और इसमें इधर जा रहा हूं, बाकी वो सेक्शन वही है, और ये भी 2 मीटर। ओ ए बी सी डी, अब अगर मैं यहां डिस्टेंस पूछता हूं, तो फिर वही होगा, टोटल पाथ लेंथ, ओ ए ए बी बी सी और सी डी, तो 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, 8 मीटर हुआ। ठीक है, बट इस बार अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल और इनिशियल के बीच के डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट। क्या? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन फाइनल और इनिशियल। तो देखो, आप ओ से गए और डी पर आए, तो स्टार्ट कहां से किया? ओ से स्टार्ट किया, ए से बी गए, बी से सी गए और डी गए। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ मेरे को डी जाना है, डी फाइनल पॉइंट है, शॉर्टेस्ट कौन सा है? सीधे चले जाओ ना ऐसे, ये तो शॉर्टेस्ट है, एक है ओ से ए जाना, ए से बी जाना, सी सी और डी, बट इनिशियल पॉइंट ओ है और फाइनल पॉइंट डी है, तो डी तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सा है? यही तो है। तो अगर ये 2 मीटर है और ये 2 है, तो ये भी यहां से यहां तक भी 2 मीटर होगा। तो बताओ ओ और डी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या है? तो आंसर है ओ ए प्लस ए डी, तो 2 मीटर प्लस 2 मीटर इक्वल टू 4 मीटर। देखो बच्चों, एक चैप्टर आएगा वन डायमेंशन, ठीक है, उसमें आपको 30 से 40 रे का लेक्चर होगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बहुत ब्रीफ में सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ तो मैं सिर्फ स्केलर और वेक्टर समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, और वो भी 9th के कॉन्सेप्ट के बेस पे बोल रहा हूँ। तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ से इधर गए, यहाँ से इधर गए, यहाँ से इधर गए, इधर आए, इसमें क्या हुआ? इसमें डिस्टेंस जो आया वो 8 मीटर आया और डिस्प्लेसमेंट आया 0। अब कहीं कन्फ्यूजन, 0 क्यों आया? बेटा जहां से आप स्टार्ट करोगे वहीं पे आ जाओगे ना आप, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, और डिटेल मैं उस चैप्टर में बताऊंगा आपको। ठीक है, क्लियर था?
इस वाले में हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया, पहले हम इधर से इधर गए और इधर गए थे, अब हम इधर से इधर गए, डायरेक्शन चेंज कर दिए। तो डायरेक्शन चेंज करने से क्या हुआ मुझे बताओ, क्या डिस्टेंस में कोई इफेक्ट पड़ा? आंसर नहीं, डिस्टेंस तो अभी भी 8 मीटर ही है, पर डिस्प्लेसमेंट में फर्क पड़ा। डिस्प्लेसमेंट क्या था? शॉर्टेस्ट फाइनल और इनिशियल के बीच में। तो शॉर्टेस्ट तो एक तरीका ये था जाने का, शॉर्टेस्ट तो यही है, तो 2 मीटर ये, 2 मीटर ये, 4 मीटर। तो चेंज क्या हुआ, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्शन अगर चेंज करने से कोई फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती है तो वो हमारा है वेक्टर क्वांटिटी। कौन होता हमारा? और वेक्टर क्वांटिटी। और जो चेंज नहीं होता वो होता है स्केलर। तो डिस्टेंस क्या हुआ बच्चों? ये होता है स्केलर और ये हमारा वेक्टर। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने पर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, समझ में आया? तो डिस्टेंस, व्हाट इज द स्केलर? तो स्केलर आर द दोज फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी आर द दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट चेंज ऑन द चेंजिंग ऑन द डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज करने पर चेंज नहीं हो जो फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। तो अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हो और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता तो वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? स्केलर है। बट कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन चेंज करने पर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो वो होता है वेक्टर। तो इसमें 0 था और इसमें 2, 4 है, तो नंबर चेंज हो गया ना। तो व्हाट इज द वेक्टर? तो वेक्टर आर द दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन द अगेन सॉरी द व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी? तो वेक्टर क्वांटिटी आर द दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड, बट मैग्नीट्यूड डिपेंड ऑन डायरेक्शन, कि मैग्नीट्यूड होता है और वो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। आगे मैं एक और लाइन बोलूंगा, इट फॉलो द पैरेलोग्राम लॉ। अभी पैरेलोग्राम लॉ क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो शॉर्टकट में मैं अगर बोलूं तो कोई फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन चेंज कर दो और वो चेंज हो जाती है, उसका वैल्यू चेंज हो जाती है तो वो वेक्टर है, और चेंज नहीं होता तो स्केलर। क्लियर है फाइनल? तो व्हाट इज स्केलर? तो स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड बट मैग्नीट्यूड डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन चेंज करो तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी। वेक्टर क्या है? तो वेक्टर आर द दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन चेंज करोगे तो वैल्यू भी चेंज रहेगी, मैग्नीट्यूड भी चेंज आएगी। आज के लिए सिर्फ इतना स्टडी करेंगे, आगे और टॉपिक स्टडी करेंगे। तो अभी बेटा मैं सिंपल सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, इसके नोट में भेज दूंगा और फिर अपन क्या करेंगे, थोड़ा स्पीड भी बढ़ाएंगे। तो अभी थोड़ा स्लो कर रहे हैं, आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।